हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अपन तैयार वैयार हो चुके हैं, सभी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है और अपन अभी आज के सरनी को कंटिन्यू करने के लिए निकल चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं। और अभी का समय वही 8:01-2 हो रहा होगा। सो आज के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। आप सभी का सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करके रखें और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइस, आज के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, निकलते हैं। अभी सभी चीज़ें तैयार हो चुकी है, चलो सीधा चलो स्कूल। अरे भाई, अपन ही जाते रहते हैं ना, टाइमर ज़्यादा समय तक लग जाता है। सो आज ही थोड़ा मतलब लंबा समय नहीं लगा, तुरंत आ गए तो तुरंत समय खुल गया। और आप देख सकते हो चांदनी चौक से लगभग हम पार हो चुके हैं और अभी अभी जस्ट पार कर चुके हैं। और आप सभी को सामने दिख रहा होगा पूरा मौसम खुला हुआ है और मज़ा ही आ रहा है। और दोस्तों, आपको डिवाइडर के बीच में आप सभी को फूल पौधा जो भी दिख रहा होगा, अभी ठंड का सीज़न है तो थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाकी जगह पर खाली है। तो बारिश का सीज़न आएगा तो हरा भरा रहेगा, पूरा फूल वूल लगे रहता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। बाकी जगह पर कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा खाली है, आप सभी को दिख रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं जगह पर अभी भी है तो फूल वूल नहीं लगा, जो भी पौधा है वो सब लगा हुआ है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब सभी जगह पर बरसात के मौसम पर सभी जगह पर उगता है तो बहुत अच्छा लगता है। आज के इस सफ़र के सबसे घटिया रास्ता आप सभी को दिख रहा होगा और लगभग लगभग आप सभी को पता होगा ये कौन सा रास्ता है। बहुत ही ज़्यादा घटिया है गाइज, इसलिए मैं वीडियो को स्पीड कर दिया, क्योंकि यहाँ जाने में ना आधे घंटे का समय लगता है पार करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। और आपको रोड के साइड में दिख रहा होगा पूरा घर वर डूब चुका है, मतलब रोड का ऊंचाई ज़्यादा हो चुका है, ऊपर आ चुका है और पूरा रोड घटिया हो चुका है। आप अगर वीडियो में एंड तक ज़रूर रहोगे तो आप सभी को ज़रूर पता चलेगा कि ये रोड कौन सा है और ये घटिया रास्ता कौन सा है, कौन सा एरिया में पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तब आप सभी को पता चलेगा कि ये रोड है कहाँ का और बहुत ही ज़्यादा घटिया। इधर देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रहा है, मतलब आदमी चला ही नहीं सकता गाड़ी, इतना धूल उड़ रहा है। तो अपन जैसे तैसे करके यहाँ से निकल रहे हैं। रोड का हाइट इतना ऊंचा होने वाला है, जो कि आपको पुल दिख रहा होगा, पुल इतना हाइट में बना हुआ है, अभी ऊपर का कुछ नहीं बना। नया कोटपाड़ बाजार और आप सभी देख सकते हो सामने है राज, और आप सभी देख सकते हो पूरा भीड़ भड़ाका लगा हुआ है। और अभी का समय आप सभी को दिख रहा होगा वही 4:30 रहा है, और ये रहा राज जो कि वेट कर रहा है मेरा उठने का। और अपन अभी जा रहे हैं और आपको मिलेंगे आगे। तो दिख रहा होगा भीड़ कुछ इस तरीके का है, और समय तो आप सभी को पता है, यहीं पर ही लगभग आता हूँ मैं, वीडियो बनाता हूँ। और अपन आते हैं दादा के पास, और ये रहा राज जो कि जो अपना बात है वो चीज़ को कर रहा है वो दादा के साथ। और आप देख सकते हो पूरा सीन तो बढ़िया ही है, कुछ कुछ सामान लेंगे राज के लिए, तो इतना दूर आए तो जाते जाते वही रात हो जाएगा। दोस्तों घूम लिए और अभी आप देख सकते हो पूरा सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर की ओर, तो अपन भी निकलेंगे। और आप सभी देख सकते हो पूरा कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, अगर आप सभी को पता नहीं तो एक वीडियो में जाकर देख सकते हो पूरा बाजार का बनाया हूँ। साइड तो हो गया और आप देख सकते हो पूरा बाजार, पीछे सभी लोग जा रहे हैं। और ये रहा अपना राज, और ये लाइन देख सकते हो आप पूरा, और अपना ये पसीनो जो कि अभी अपन निकल रहे हैं और अपन जाएंगे अभी आज की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सो आप देख सकते हो पूरा दुकानें इधर है और बाज़ार इधर है, कपड़ा लाइन आप देख सकते हो, उधर भी है कपड़ा लाइन, और ये मछली पकड़ने वाला जाली। सो अपन यहाँ से निकल रहे अपने घर की ओर, और सभी लोग लगभग लगभग निकल रहे अपने घर की ओर, क्योंकि शाम का समय हो रहा है, वही 5:30 बज रहा है दोस्तों। सो सब लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं, यहाँ सुबह का बाज़ार लगता है तो सुबह से भीड़ रहता है, शाम का समय है तो सभी लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं, सभी लोग अपना सामान वामान समय ट्रेन ले जाने के लिए। और अपन भी यहाँ का काम कम्प्लीट हो चुका है, अपन भी यहाँ से निकल रहे अपने घर की ओर। सामने देखो भाईजान जो कि अपने पहचान के जगदलपुर के हैं। सो अपन यहाँ से जा रहे हैं अपने घर की ओर, जगदलपुर की ओर। सो आप सभी को सामने दिख रहा होगा गाड़ी जहाँ लोड हो रहा है सामान वामान, ओवरलोड भी हो जाता है क्योंकि यहाँ से जाना रहता है तो लोड तो करना पड़ेगा ही। और अपन निकलते हैं यहाँ से अभी जगदलपुर की ओर। यहाँ पर अपन आए एक मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए, छोड़ने के लिए। सो अपन भैया से बात बात कर रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कितना का बजट लगेगा, क्या खर्चा आएगा। सो ये मोबाइल का शॉप है ठाकुर रोड पर, अजहर मोबाइल करके, जो कि आप सभी को लगभग पता ही होगा। अगर आपको सेकेंड हैंड मोबाइल वोबाइल चाहिए तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ का सजावट आप देख सकते हो, लाइट वाइट बहुत ही बढ़िया है। सो अगर आपको ख़रीदना हो तो यहाँ से आकर ले सकते हो आप।